प्रेगनेंसी के टाइम पर राजीव कर रहे थे चारू को चीट। दोस्तों आपको बता दें कि चारू असोप और राजीव सेन के बीच बात बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। हाल ही में दोनों ऑफिशियल तरीके से तलाक लेने की बात भी कर रहे थे। इससे पहले भी दोनों तलाक लेने का मन बना चुके थे, लेकिन बेटी जियाना के लिए दोनों एक हो गए थे। फिर दोनों एक महीने से ज्यादा रिश्ता मजबूत नहीं कर सके। दिवाली से पहले ही दोनों अलग हो गए। चारू बेटी जियाना को लेकर अपने होम टाउन बिलवाड़ा पहुँच गई और अभी वहीं रह रही है। इसी बीच चारू ने एक इंटरव्यू में राजीव को लेकर बहुत खुलासा किया है। चारू असोपा का कहना है कि वो सिर्फ लोगों को दिखाने और शांति के लिए शादी के रिश्ते में नहीं रह सकती है। उन्होंने राजीव सेन पर धोखा देने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो राजीव ने उन्हें उस टाइम पर धोखा दिया था। उन्होंने कहा कि राजीव सुबह 11 बजे घर से निकल जाते थे और रात 11 बजे तक ही आते थे। एक दिन राजीव के बैग में एक ऐसी चीज मिली जिससे उन्हें पता चला कि राजीव उन्हें धोखा दे रहे थे। चारू असोपा ने एक इंटरव्यू में कहा है, बीकानेर में रहने के कुछ महीनों बाद ही मैं मुंबई लौट आई थी और मैंने वहां अपनी प्रेगनेंसी का ज्यादातर टाइम बिताया था। वो सुबह 11 बजे गोरेगांव ईस्ट से बांद्रा में अपने जिम के लिए निकल जाते थे और रात 11 बजे तक आते थे, कभी कभी 7, 8 या 9 बजे। जब मैंने उनसे पूछा कि वो इतने घंटे क्यों लगाते हैं, तो वो अक्सर कहते थे, जब मैं मैप्स पर ट्रैफिक देखता हूँ तो मैं बांद्रा कैफे में कॉफी पीता हूँ और ट्रैफिक धीमा होने का इंतजार करता हूँ और फिर मैं घर के लिए निकलता हूँ। चारू असोपा ने आगे कहा, मुझे इस बात पर भरोसा था। कभी कभी वो कहते थे कि वो कार में सोते हैं और कई बार कुछ और बहाने बनाते थे। एक बार वो बिना कहे ही दिल्ली चले गए और मैं कुछ सामान शिफ्ट कर रही थी और तभी मुझे उनके बैग में कुछ मिला जिसके जरिए मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहे थे। इतना ही नहीं, चारू ने आगे कहा, मैंने ये बात सभी को बताई और पूरे परिवार को इसके बारे में पता था। जब भी ऐसा होता मैं सोचती थी कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी और बस चली जाऊंगी और फिर मैंने हमेशा उन्हें मौका देने और नए सिरे से शुरुआत करने के बारे में सोचा। शादी के 3.5 साल बस हमारी नई शुरुआत के इंतजार में चले गए। चारू असोपा ने अपने नए आरोपों से एक बार फिर से फैंस को चौंका दिया है। चारू ने बताया कि राजीव सेन ने प्रेग्नेंट के दौरान उन्हें चीट किया था। उन्होंने बताया कि राजीव के बैग में उन्हें कुछ ऐसा मिला था जिससे उन्हें राजीव की धोखेबाजी के बारे में पता चला था, जिससे वो काफी टूट गई थी। उन्होंने परिवार को राजीव की इस हरकत के बारे में भी बताया था। वहीं दूसरी तरफ राजीव सेन इस बात से परेशान है कि चारू घर की हर बातें मीडिया और सोशल मीडिया तक खींच कर ले जा रही है और इससे उनका और उनके परिवार का नाम खराब हो रहा है। राजीव ने भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर चारू के आरोपों का जवाब दिया है। राजीव ने इस बारे में आगे कहा है कि मैं कभी किसी मीडिया को इसके लिए नहीं बुलाऊंगा कि किसी को नीचा दिखा सकूं, लेकिन अगर कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है जो कि झूठ है तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे बारे में जो भी कहा जा रहा है वो सब झूठ है, उनका सब कोई सबूत नहीं है क्योंकि उन आरोपों का कोई आधार नहीं है। अब भाई ये तो आगे ही पता चलेगा कि कौन इस रिश्ते में सच्चा है और कौन झूठा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।